हमारे देश की इस गोदी मीडिया के क्या दिन आ गए हैं, जरा बस इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा दीजिए। मतलब हद कर रखी है इन लोगों ने। संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास जी। अरे बहुत दिखा लिया, ठीक है, संसद भवन के भीतर संसद, अरे बहुत दिखा लिया, देखिए टीवी टाइम के कैमरे पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लगातार मनीष, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज, देखिए पल्लवी जी प्लीज, पल्लवी जी प्लीज, एक जस्ट 30 सेकंड, प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस कर एक मिनट रुक जाइए, तो पल्लवी जी प्लीज, पल्लवी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं। बहरहाल देखिए टीवी 9 के कैमरे पर मनीष वाकई में बहुत गंभीर है जो आपने स्मोक बम दिखाया। और सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने जिस तरह से दर्शकों को वो स्मोक बम आपने जो हाथ में कैरी किया हुआ था, कुछ भी हो सकता था। ये छीना झपटी करते हुए एक ऐसे एविडेंस की करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि एक सीरियस इश्यू है। 13 दिसंबर, आप सोच लीजिए कि ये ऑलरेडी एक ऐसा दिन है जब पार्लियामेंट में टेरर अटैक हो चुका है और आज ही के दिन एक स्मोकिंग बॉम्ब, जिसको खुद ही अपने शब्दों से स्मोकिंग बॉम्ब कह रहे हैं उसे, या स्मोकिंग कैंडल, स्मोकिंग कैनिस्टर, उसे लेते हुए चल रहे हैं और एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं कि अपने टीआरपी के लिए और मेरे चैनल पे पहले मैं दिखाऊंगी, ये सब चीजें चल रही हैं वहां पर। मतलब आप सोचिए, एक तो सबसे पहले एविडेंस टैम्परिंग हो रही है, जो चीज वहां पर फॉरेंसिक्स के पास होनी चाहिए, जो चीज वहां पर सिक्योरिटी के पास होनी चाहिए, अब हाथ में प्लास्टिक पहने हुए ग्लव्स से उसको पकड़ा जाना चाहिए, ये सब लोग कर क्या रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, कहने को सीनियर जर्नलिस्ट, इनकी हालत देख लीजिए कैसे छीनने के लिए आ रहे हैं और पीछे हंसी ठहाका चल रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी चैनल का रिपोर्टर है, नाम में तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज सबके काम बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ दिनों पहले तक बहुत ही मेल्टडाउन ए आजम करते नजर आ रहे थे ना ये सब लोग, सर्कस ए आजम इस वक्त करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मतलब ये इतनी गंभीर सिचुएशन, पार्लियामेंट में कोई इंट्रूडर्स आ जाते हैं जो कि इस तरह से, देखिए जंप करते हुए, तस्वीर देखिए आप, जंप करते हुए वहां पर कहां तक, क्या करने की कोशिश कर रहा है वो शख्स, उसे एमपीज ने रोकने की कोशिश की। ये गंभीर विषय पर हमारे देश की मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रही है, मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ मजाक बन रहा होगा और इन लोगों का काम ही यही है, सिर्फ अपना हंसी ठहाका करवाना, अपने ऊपर मजाक बनवाना। और देखिए ये कैसे, नहीं फिर बीच में कोई एक और शख्स आ जाती है, इनको बहुत हर किसी का वैलिड क्वेश्चन ना इंटाइटलमेंट लगता है, इनसे आप सवाल पूछ लीजिए तो अच्छा तुम लोग बड़े इंटाइटल्ड हो, इनको हर किसी का इंटाइटलमेंट लगता है। उनकी जरा शक्ल देख लीजिए, हंसते हुए कैसे छीन रही है, देखो दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर अपने डिफेंस में बोले कि जो एक्चुअल स्मोकिंग कैनिस्टर है ना वो तो ना फॉरेंसिक के पास है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी वक्त वहां पर खड़े हुए आपने कहीं मार्केट से कहीं से अभी अवेलेबल करा लिया, एकदम से उसी परिसर में आप लेकर आ गए ये सब लोग। और उसके बाद देखिए कि नहीं, उसके बाद देखिएगा ये वाली हॉकी फुटबॉल में होता है ना, मैन टू मैन मार्किंग कर रही है कि गलती से भी, और फोन पे कहीं पे बात कर रहे हैं, चैनल वाले कह रहे हैं अरे बिल्कुल जाने मत देना, बिल्कुल उसको पकड़े बगैर मत रहना, नेक्स्ट तुम ही होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दीज पीपल आर डूइंग।
सबसे पहले एबीपी न्यूज की ये खबर देखिए। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक शख्स दर्शक दीर्घा से कूद गया। शख्स ने स्मोक कैंडल भी जलाई। जानकारी के अनुसार कुल 3 लोग इसमें शामिल थे, जिनमें से एक दर्शक दीर्घा में कूदा। आरोपियों ने लोकसभा में कुछ स्प्रे भी किया। अफरा तफरी के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ठीक है, अब देखिए, और ये आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एमपीज ने उसको रोकने की कोशिश की। दानिश अली बोलते हैं, एमपी दानिश अली बोलते हैं कि 2 लोगों ने जंप किया फ्रॉम द पब्लिक गैलरी एंड फिर उसके बाद स्मोक होनी शुरू हो गई। पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल, केओस हो गया था और बोथ ऑफ देम वर ओवरपावर्ड बाय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। अब एक बहुत वैलिड सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, द पास जो कि इंट्रूडर्स, जो कि ये लोग थे जो आपको कुत्ता फांता दिखाई दे रहा है स्मोक कैंडल लेकर आया हुआ है। देखिए, ये सवाल गंभीर जो होने चाहिए था मीडिया की तरफ से, अब मैं आपको पूछते हुए नजर आती हूं। ये लोग का तो काम यही है जोकर गिरी करने का। पास जो इंट्रूडर्स को दिया गया था वो रिपोर्टेडली साइंड, आपको पता है किसने साइन किया उसको? बीजेपी एमपी है मैसूर से प्रताप सिन्हा। उन्होंने किस आधार पर इनको एंट्री दे दी? क्या उनसे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है, इसके ऊपर गंभीरता से सवाल पूछते हुए ये लोग ट्रेंड करने चाहिए थे, पर ट्रेंड कर रहा है गोदी मीडिया। किस लिए, किस हरकत के लिए, देख लीजिए। अब ये देखिए, इस तरह के अब मीम स्टार्ट हो चुके हैं इन लोगों के खिलाफ। इनकी नौटंकी देखिए और चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, इनको बिल्कुल जोक लग रहा है ये सब चीजें जो हो रही हैं। कांग्रेस के एमपी कार्ति चिदंबरम बोलते हैं कि 0 आवर चल रहा था हाउस में, मैं अपनी बारी का, बोलने की बारी का इंतजार कर रहा था और अचानक से क्या हुआ कि एक शख्स दिखाई देता है ऊपर से आया विजिटर्स गैलरी से, फिर हमको रियलाइज हुआ कि एक डेलिबरेट एक्ट था उसका जंप करने का इनटू द वेल। वहां पर एक और आदमी था और इन दोनों ने ही अपने हाथ से कैनिस्टर्स निकाले विच वर एमिटिंग येलो स्मोक, एक तरह की येलो स्मोक दे रहे थे। वो स्मोक में क्या था, उस कैनिस्टर में क्या था जिसको ये लोग बॉम्ब अभी बोल रहे हैं, अभी तो ये जांच का विषय है, हो सकता है इसमें कुछ ना हो, लेकिन ये सब जब जांच होगी तभी तो पता चलेगा। दिस इज एन एविडेंस जिसके ऊपर अभी तक जो हाथों के निशान आ चुके होंगे वो इन्हीं सब लोगों के आ चुके होंगे जो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं ऐसी हरकत करते हुए। मतलब अपने प्रोफेशन की कुछ तो मर्यादा रखिए ना। जल्दबाजी में समझ में आता है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज और जल्दी दिखाने का एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर, पर आप अपनी कम से कम ये तो समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। उस समय थोड़ी तो सूझबूझ से आप काम लेंगे, इसीलिए तो आप सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं ना। आप इंटर्न्स तो है नहीं, उनमें से एक भी शख्स कोई इंटर्न नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल दोज पीपल हु आर पीआईबीज, दे आर ऑल दोज पीपल जो कि पार्लियामेंट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियोरिटी इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो क्या इनको ऐसी सिचुएशन में ये नहीं पता कि ऐसा क्या कवरेज करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी अपनी टोन क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए? मतलब इतने सालों में भी कुछ नहीं सीखा। गुफ्स, दीज आर डेलिबरेट। क्या उन लोगों को वहां पर खड़े होके ये नहीं दिखाई दे रहा था कि इतने सारे कैमरास हैं? या फिर सिर्फ अपने अपने चैनल को बताने की कोशिश थी, दिखाने की कोशिश थी, ये जानते हुए कि कैमरास तो शूट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे भी फुटेज और फीड जारी होगी बॉस के पास कि देखो कोशिश तो मैंने पूरी की थी? इज इट ऑल अबाउट दैट? या आपको इस बार का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि इतने सारे कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप इस वक्त कैसे दिख रहे हैं ये सब चीजें करते हैं, और उसके बाद फिर डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं बोलते हुए कि बताइए आप इतनी बड़ी चीज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भी एक तरह से आप लोगों के लिए मजाक की जो है खबर हो जाती है, या आपके इंटाइटलमेंट है? दिस इज वॉट वन ऑफ दीज सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैज रिटन ऑन ट्विटर, सेइंग कि ये तो इंटाइटलमेंट है आपका ये सवाल भी पूछना कि हम लोग इसको दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर आप हमारा मजाक क्यों बना रहे हैं? मतलब हद है, हद है। और उसके बाद अपने डिफेंस में आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो एक्चुअल स्प्रे था भी नहीं, ये तो एक्चुअल बॉम्ब था भी नहीं। ओके, सो यू डिलिबरेटली अरेंज्ड अ न्यू वन, राइट? मार्केट से खरीद के लाए थे, तो मार्केट से खरीद के लाने का इतना टाइम था आप लोगों के पास? अगर था तो छीना झपटी क्यों कर रहे थे, सभी लोग जाके खरीद लेते। और अगर उस रिपोर्टर ने एक्चुअल में उसको खरीदा है मार्केट से जाके, तो फिर तो वो उसकी प्रॉपर्टी हुई ना, आप कौन होते उससे छीनने वाले? लगातार मनीष, और अगर वो एक्चुअल में एविडेंस नहीं था
तो एक्चुअल में वो वाला बॉम्ब नहीं था। तो ये अपनी जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है वहां पर क्यों एक भी शब्द ऐसा बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्यों ये जता रहे हैं कि यही वो बॉम्ब है। देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। किसको मूर्ख समझते हैं आप? अपने जैसा समझ रखा है।